पिता ने बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मंगलवार देर रात की है। बताया जा रहा है कि थाना मडराग क्षेत्र के आबूपुर इलाके में रहने वाले शैलेंद्र कुमार शराब पीने का आदि था। शराब पीने को लेकर पत्नी से विवाद हो गया। इस बीच पति शैलेंद्र पत्नी से मारपीट करने लगा, तभी 18 वर्षीय बेटी शालिनी बीच बचाव करने आई, तभी पिता ने तमंचे से गोली मार दी। गोली बेटी को जाकर लगी, बेटी शालिनी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं घटना के बाद पिता शैलेंद्र कुमार फरार चल रहा है। बताया जा रहा है कि शैलेंद्र देर रात शराब पीकर घर लौटा और पत्नी अर्चना से मारपीट करने लगा। इसी दौरान बेटी शालिनी ने बीच बचाव किया, उसने अपने पिता की हरकतों का विरोध किया तो बेटी को लोहे की रॉड से पीटना शुरू कर दिया। इतने पर भी पिता का गुस्सा शांत नहीं हुआ और तमंचा ले आया। इस दौरान उसने बेटी को गोली मार दी, इसमें एक गोली सीने में और दूसरी कंधे में लगी। घटना के बाद आरोपी पिता फरार हो गया। इस घटना की सूचना जब शालिनी के मामा ललित को लगी तो वह मौके पर पहुंची और पुलिस को सूचना दे दी गई। सूचना पाकर क्षेत्र अधिकारी इगलास राघवेंद्र सिंह और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामा ललित ने अपने बहनोई शैलेंद्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं क्षेत्र अधिकारी इगलास राघवेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम लगा दी गई है। जांच में सामने आया है कि आरोपी शैलेंद्र शराब पीने का आदि था। आए दिन नशे में घर पहुंचकर पत्नी से मारपीट करता था। बच्चे यह सब सहन नहीं कर पाते थे, लेकिन जब बेटी ने पिता की हरकतों का विरोध किया तो पूरा गुस्सा बेटी पर ही उतार दिया। क्या नाम है? शालिनी। इनके पिताजी का क्या नाम है? शैलेंद्र सिंह। अच्छा, कैसे मौत हुई है इनकी? दारू पी रखी थी। इनके पिता ने? तो कैसे मौत कैसे हुई है? घर में झगड़ा है। माँ बाप के बीच? तो पिता ने गोली गोली मार दी। तो क्या मतलब माँ और बाप का आपसी विवाद था या कुछ और भी विवाद था? शराब पी के गोली मार दी। कब की घटना है? तो अब वो कहाँ है आरोपी जो पिता है इनके? फरार हो गए। मडराग थाना क्षेत्र के अबूपुर गांव में सीरेन नामक व्यक्ति अपने घर में पत्नी से झगड़ा कर रहा था, जिस दौरान उसकी बेटी बचाव के लिए आई और उसने अपनी बेटी को गोली मार दिया, जिस पर मृतका के मामा ललित सिंह ने तहरीरी सूचना दी है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच चुकी है और विधिक कार्रवाई